एचपीसीए के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में वीरवार को आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी ने पहुंचते ही इस स्टेडियम की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा दिए। एलईडी लाइट्स की दूधिया रोशनी समेत लेजर की रंग बिरंगी रोशनी ने ट्रॉफी के दीदार के लिए पहुंचे हर एक शख्स का क्रिकेट के प्रति रोमांच और भी ज्यादा बढ़ा दिया। देखिए, इसको प्लान इस तरीके से किया गया था क्योंकि हिमाचल को टूरिज्म स्टेट के रूप में जाना जाता है पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो हमारा प्रयास था कि इससे बढ़िया मौका हिमाचल के नहीं हो सकता। जिस दिन ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यहाँ पर आए, टूरिज्म डे वाले दिन, एक मैसेज पूरे विश्व में जाए कि विश्व की सबसे खूबसूरत राज्य हिमाचल, इस बार मौका मिला है विश्व कप के मैचेस को आयोजित करने का, तो हमारा पूरे विश्व को आमंत्रण है कि आइए एक बार हिमाचल विजिट कीजिए और हिमाचल की खूबसूरती को निहारिए क्रिकेट के रोमांच के साथ। हालांकि आपने एक बात का जिक्र किया, वैसे बच्चा बच्चा यहाँ का जानता है कि किस तरह से यहाँ पर ये स्टेडियम बनाया गया है। सर, क्या कहते हैं आप इसके लिए कि ये तमाम सारी चीज़ें इतना संभव थी, जैसा कि आपने भी कहा कि संभव नहीं था, संभव था लेकिन मैं इसीलिए आज से 21 साल पहले चला गया। मुझे आज भी वो दिन याद है, 19 मार्च 2002 का, जब इसका शिलान्यास रखा गया था धूमल जी द्वारा। अनुराग जी का सपना था, लेकिन हमें लगता था उन्होंने सपना देखा है, पता नहीं इसका क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके की टोपोग्राफी इस जगह की थी, आपको जानते हैं, धर्मशाला के लोग जानते हैं, वो तो कई वर्षों से यहाँ तक आते रहे। लेकिन जिस रिकॉर्ड समय में 3 साल में इस मैदान को तैयार किया गया और पाकिस्तान की टीम का यहाँ आयोजित किया गया मैच, और उसके बाद जो भव्यता इस पूरे स्टेडियम को दी गई, मैं मानता हूँ ये सपना साकार करने वाला एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आंखों के सामने है, जो हम सोच नहीं सकते थे कि हो सकता था। इसलिए मैंने कहा, एक आदमी की कमिटमेंट, एक आदमी की कन्विक्शन, एक आदमी का हार्डवर्क जो इस संघर्ष में पूरे इतने साल रहा, आपने देखा उसके बाद भी कई उन्होंने संघर्षों को झेला, कई केसेस भी हुए, लेकिन ये जो स्टेडियम बनाया गया, ये अनुराग जी ने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं बनाया था, हिमाचल के बच्चों के लिए बनाया था। और इस बात का सौभाग्य है कि उन्होंने जो सपना देखा था कि हिमाचल का कोई युवा देश के लिए खेले, वो न केवल एक युवा खेला, 4 युवतियाँ भी खेल रही हैं, उन्होंने प्रदेश का नाम पूरे विश्व में किया है। हमारा सौभाग्य है कि सुषमा खेली, रेणुका खेली, हरलीन देओल, तनुजा कंवर, ऋषि धवन, और रेणुका को तो पिछले साल आपने देखा होगा आईसीसी का नंबर 1 प्लेयर कहा गया। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हमारी शिमला की रोहन की लड़कियाँ आज पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना नाम कमा रही हैं। आईसीसी के 5 मैच, वर्ल्ड कप के 5 मैच हमें कह सकते हैं निश्चित तौर पर, कैसा लगता है मेजबानी करते हुए और हम कितना तैयार हैं? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि क्रिकेट को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है, रिलीजन कहा जा सकता है, और हमारे धर्म में जैसे कि कुंभ 12 साल बाद आता है, ये कुंभ भी 12 साल बाद आया, तो आज हम उसी कुंभ को आयोजित करने वाले शहरों की श्रेणी में आए हैं। तो इसीलिए मैंने अपने पूरे प्रदेशवासियों को बधाई दी, ये मौका है कि हम अपने हिमाचल को, धर्मशाला को, पूरे प्रदेश को, पूरे विश्व के मानचित्र पर इतने बढ़िया तरीके से ला सके, ताकि हमारा जो पर्यटन का कारोबार है उसमें और ज़्यादा तरक्की। क्या ये मान के चलें कि जो नेचुरल क्लाइमेट और जो कोविड रहा, वो यही महाकुंभ उसको बुलवा देगा, यहाँ के लोग उस जगह बोलेंगे? डेफिनेटली, आप देखिए कि खेल ही ऐसा चीज़ है जो आपको जीवन जीने का और कैसे जीवन जिया जा सकता है उसके लिए प्रेरणा देती है। यदि आप जीतते हैं तो आपको और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हारते हैं तो सीखने का मौका मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि खेल एक शिक्षा का इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि शिक्षा का मूल मंत्र है कि आपको जीवन के लिए तैयार करना। जब तक हम खेल को उसका इंटेग्रल पार्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हम समुचित विकास अपनी युवा पीढ़ी का नहीं कर पाएंगे। इसी का उद्देश्य था कि हम अपने युवा को उसके साथ जोड़ सकें, और हमारा सौभाग्य है कि आज देश के युवा इतने अच्छा कर रहे हैं, प्रदेश के युवा इतने अच्छा कर रहे हैं। न केवल यहाँ किया गया, पूरे प्रदेश में आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया क्रिकेट के लिए, और यही कारण है कि विजय हजारे ट्रॉफी, जो हिमाचल की टीम कभी 1-1.5 दिन में सिमट जाती थी, उसके हम चैम्पियन बने, और उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, उसमें भी हम चैंपियन बनते बनते रह गए। लास्ट बॉल पर हम मुंबई सी टीम से हारे थे, अदरवाइज हम शायद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीतते। तो ये अगर हमें मौका मिला है हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा को आगे पूरे देश में, पूरे विश्व में दिखाने का, इसका कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पर खड़ा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजीत निपी की रिपोर्ट।